स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करेंगे सी में, ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग को हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जो कि आपकी प्रिंट एफ स्कैन एफ फंक्शन के लिए यूज़ करी जाती है। दूसरी आपकी ऑप्शनल है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जो कि आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है जो आपकी गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन फंक्शन के लिए यूज़ करी जाती है, जो कि आपकी कंसोल स्क्रीन के फंक्शन है। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हमने void main लिख लिया। void का मतलब होता है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, ठीक है। अब क्योंकि मेन फंक्शन सिस्टम द्वारा कॉल किया जाता है, कंपाइलर द्वारा कॉल किया जाता है, तो ये सिस्टम को कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं दे रहा है, इसके लिए आपने void लिख दिया है। फिर आपको सिंपल सा क्या काम करना है कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो आपको प्रिंट करने के लिए आपको जो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा वो प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। उससे पहले आप चाहें तो यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी प्रीवियस आउटपुट होगा वो क्लियर कर देगा, ठीक है। ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप इसको लिखें, ठीक है। और ये हेडर फाइल भी जो आपकी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वो भी आपकी ऑप्शनल है, लेकिन आपको हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट आप प्रिंट एफ का स्टेटमेंट तो देंगे ही देंगे अगर कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं तो, ठीक है। फिर जैसा कि हमने बताया कि आपको प्रिंट करने के लिए आपको जो फंक्शन यूज़ करना पड़ता है वो होता है आपका प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको प्रिंट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड, तो आप डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर जैसा आप लिखेंगे हेलो, वैसा ही एज इट इज़ ये प्रिंट करके आपको दे देगा, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपका ऑप्शनल फंक्शन है, ताकि आपको ऑल्ट एफ फाइव ना करना पड़े, ठीक है। अब कंपाइल करने के लिए आप कंट्रोल एफ नाइन कर सकते हैं, तो ये कंपाइल और एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो देखिए हेलो वर्ड आ गया आपका, ठीक है। आपको ऑल्ट एफ फाइव करके आउटपुट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इनकेस अगर आप इसको कमेंट्स में डाल देते हैं, ठीक है, तो आपको दोबारा कंपाइल एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिए आपको आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट एफ फाइव करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऑल्ट एफ फाइव करेंगे तब आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। और देखिए क्लियर स्क्रीन अगर फंक्शन को कमेंट्स में डाल देते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर क्लियर स्क्रीन फंक्शन आप कमेंट्स में रखते हैं, और अब आप फिर से कंपाइल और एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को, और फिर से आपको ऑल्ट एफ फाइव करना पड़ेगा क्योंकि आपने गेट सी एस फंक्शन का यूज़ नहीं किया है। तो देखिए ये हेलो वर्ल्ड पिछला भी दिखा रहा है, और हेलो वर्ल्ड जो आपका करंट आउटपुट आया है वो भी दिखा रहा है। फिर दोबारा कंपाइल करके देख सकते हैं, फिर आप ऑल्ट एफ फाइव करके आउटपुट देखेंगे, तीन बार हेलो वर्ल्ड आ गया, यानी कि वो प्रीवियस आउटपुट भी शो कर रहा है। इसीलिए आप चाहते हैं कि प्रीवियस आउटपुट ना शो करे, उसके लिए आप यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का तो यूज़ कर लिया, लेकिन अभी भी गेट सी एच फंक्शन का यूज़ नहीं किया। तो देखिए अब जब आप कंपाइल करके एग्जीक्यूट कराएंगे, ठीक है, तो आपको आउटपुट देखने के लिए तो ऑल्ट एफ फाइव करना पड़ेगा, लेकिन प्रीवियस आउटपुट नहीं दिखाएगा। ऑल्ट एफ फाइव कर लिया तो देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। और अगर आप गेट सी एच फंक्शन का भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऑल्ट एफ फाइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसी समय आउटपुट दिख जाएगा। गेट सी एच का काम ही होता है गेट कैरेक्टर, ये तब तक उस कैरेक्टर का वेट करता है जब तक कोई यूज़र कोई की प्रेस नहीं करता। जैसे ही उसको कैरेक्टर मिल जाता है, वैसे ही वो कंसोल स्क्रीन से बाहर आ जाता है। अब देखिए कंट्रोल एफ नाइन किया, आपको इंस्टेंट आउटपुट मिल जाता है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।